हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इनकी दुनिया में। अब तो कहावतों में भी मच्छरों की तरह मसलने की बात करते हैं। लेकिन बॉस, हम मच्छर ही तो हैं। तुम चुप करो, चुप करो। अब उन इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्हें भी तो पता चले कि हम मच्छर क्या चीज है। जाओ जाओ और इंसानों की दुनिया में इतना आतंक मचाओ कि वो डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया से परेशान हो जाएं। तब उन्हें हमारी ताकत का पता चलेगा। जाओ। मुझे तो डेंगू का शक हो रहा है गीता जी। मच्छरों ने मुझे बहुत काटा, रात भर सो नहीं पाई। आजकल मच्छरों का कुछ ज्यादा ही आतंक हो गया है। मैं ये दवाइयाँ लिख देता हूँ और कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करवा देता हूँ। और अंकुश, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर, आप मम्मी को ठीक कर दीजिए। इन कमबख्त मच्छरों को कोई ठीक कर दे तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बजरंगी, इन मच्छरों की वजह से मम्मी बीमार हो गई। इन मच्छरों को सबक सिखाने का उपाय है मेरे पास। लगता है सब सो रहे हैं। अपना अटैक यहीं से शुरू करते हैं। जल्दी करो, डेंगू मलेरिया सब फैला दो। हमें दूसरे घर में भी तो जाना है। चलो सबको बुला के लाते हैं। आओ मच्छरों, बजरंगी के होते हुए तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम कब तक इंसानों को हमसे बचाते रहोगे? एक बजरंगी आइडिया है। अरे बजरंगी की बात मानो बेवकूफो, तुम इंसान के पीछे पड़े हो। पता है इंसानों को कितनी बीमारियां होती है? बीमारियां? हाँ, जंक फूड खाने से इंसानों को बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया, डायबिटीज, जो तुमको भी बीमार कर सकती है। अगर कुछ पीना ही है तो टमाटर का जूस पियो, जिससे तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। चलो भागो यहाँ से, फिर कभी वापस मत आना। बजरंगी 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 बजरंगी। हाय, मर गया रे। अब ठीक हो जाओगे? हाय, बहुत मारा उसने। पिट के आ गए, आ गए पिट के। किससे पिटे? कॉइल, स्प्रे, रैकेट या ताली? हाँ, इनमें से कुछ नहीं था जनरल। तो फिर
इंसानों ने हमें मारने के लिए चुपके चुपके कोई नया हथियार खोज लिया है। बड़े बड़े सूरमा पहलवान हमसे हार गए। हाँ, वैसे कितना बड़ा है यह हथियार? जनरल, हमारी ही साइज का है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी एक लंबी पूंछ है। उसका नाम बजरंगी है। वो हमारी तरह उड़ सकता है। अब मैं कैसे खून चूसूंगा? लेकिन बॉस, वो तो बहुत ही अच्छा है। उसने हमें टमाटर का जूस पीने की सलाह दी, जिससे हम तंदुरुस्त रहेंगे। इंसान जंक फूड खाते हैं, जिससे वो बीमार गिरते हैं, और उससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। क्या कहा? टमाटर? हाँ जनरल, हम मच्छरों के लिए तो ये इनकलाब से कम नहीं। ये इनकलाब नहीं, बगावत है। इस बगावत को कुचल दिया जाएगा। हाँ, कुचल दिया जाएगा। बगावत तो हो चुकी जनरल। इनकलाब जिंदाबाद, तमाचार जिंदाबाद। अकल से काम लो, जनरल की बात मानो। हम इंसानों का खून चूसकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते जनरल। मैं साबित करके रहूंगा कि तुम लोगों को बहकाया गया है। हाँ। मुझे पता है कौन जंक फूड खाता है। रंगा खुश। अटैक! आज मच्छर कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। उनको भी जंक फूड पसंद होगा, जैसे रंगा बॉस को पसंद है। मतलब रंगा बॉस मच्छर है? शट अप! खाने भी दो यारो। वापस चलो। बॉस, वो सही कह रहा था। लोग जंक फूड खाते हैं, अब उनकी बीमारियां हमें भी हो रही है। हमारे सारे साथी मच्छर बुरी तरह से बीमार पड़ गए। हमें उस बजरंगी की बात मान लेनी चाहिए। चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये बजरंगी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। अब पता चलेगा उसको मच्छरों की असली ताकत। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उसे। साथियों, चलो मेरे साथ, चलो। मच्छरों, हमारी कौम आज खतरे में है। हमारा इम्तिहान का वक्त है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। साथियों, अटैक! जूसी है, इसका खून चूसने में मजा आएगा। अटैक! Tururu 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 turur
ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं था। बजरंगी हमें माफ कर दो, हम टमाटर खाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ? तो मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ बस टमाटर ही टमाटर होंगे। चलो मेरे साथ। सेल्फी विद बजरंगी। चॉकलेट चोर। मैं छोटा हूँ या दुकान इतनी बड़ी है? सुपर स्टोर बोलो, सुपर स्टोर। सुपर स्टोर। ओ बजरंगी, खोलो मत, सिर्फ खुली चीज ट्राई कर सकते हैं। चुरा कर चॉकलेट खाने का मजा ही कुछ और है। ये बच्चे आ रहे हैं, सारा चॉकलेट का मजा खराब कर दिया। आई हेट बच्चे। अंकल ये लीजिए। 60 रुपए। 60 क्यों, कॉपी तो 30 की है। और इस चॉकलेट का क्या? हाँ है? ये चॉकलेट रैपर, ये मैंने नहीं खाया अंकल। तो तुम्हारी जेब ने खाया होगा। आ, शर्म नहीं आती चॉकलेट को चुराते हुए? आ, देखो देखो ये चॉकलेट चोर चॉकलेट चुरा कर खा गया। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें बच्चे, चोरी करना बुरी बात है। लेकिन मैंने चोरी नहीं की अंकल। अच्छा, रैपर तुम्हारी जेब से निकला और तुम कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की? हाँ, चोरी करते हो ऊपर से झूठ भी बोलते हो। हाँ, शर्म नहीं आती? अभी जाओ, बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ वरना। ठीक है, पैसे तो ले लिए ना तुमने, अब क्यों इशू बना रहे हो? चलो बेटा आगे से ध्यान रखना। हाँ, चॉकलेट मैंने लिए भी नहीं और खाए भी नहीं, तो रैपर मेरे जेब में कैसे? हाँ बजरंगी। मूछे हो तो तैनात सिंह जैसी हो, क्या लगती हैं? इन मूछों पर थोड़ा हेयर जेल ट्राई करता हूँ। लगाया हेयर जेल, वाह। मुझे हो तो तैनात सिंह जैसी हो। ये लिया हेयर जेल और ये लगा पूछ पर और पूछ तो चमकने लगी। बजरंगी ये क्या किया तुमने? ट्राई किया और क्या। बजरंगी ये चॉकलेट तुमने चुरा के खाई है। ये चॉकलेट? अरे नहीं नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो फिर कौन है वो चॉकलेट चोर? देखो देखो यही है वो चॉकलेट चोर बच्चा। मेरे दोस्त की बेइज्जती, अब हम लोग इस चॉकलेट चोर की मिस्ट्री सॉल्व किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बजरंगी, ये मिस्ट्री तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। चॉकलेट के लिए मना किया था ना? इस दूरबीन से देखकर चोर को रंगे दांतों पकड़ना होगा। हाँ
सड़े दांत, पीले दांत, टेढ़े दांत, चॉकलेटी दांत। एक मिनट, चॉकलेटी दांत मिल गया। चॉकलेट चोर अंकश, हुर्रे, चॉकलेट चोर पकड़ा गया। चोर और कोई नहीं, रंगा है। ओ नो, ये का अंकुश हवा में है। अभी वीडियो सबको दिखाऊंगा। अरे मेरा फोन हवा में, ये क्या हो रहा है? गए, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तुम तैनात से बचकर रहना, मैं रंगा को पकड़ता हूँ। उठा उठा चॉकलेट। नहीं चुराई, लगता है पूछ टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ये क्या, यहाँ भी चॉकलेट? इधर भी चॉकलेट, उधर भी चॉकलेट, सब जगह चॉकलेट। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चॉकलेट्स है, हर जगह चॉकलेट्स है। होता है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। वैसे चॉकलेट्स उधर हैं। चॉकलेट्स, यहाँ भी चॉकलेट, वहाँ भी चॉकलेट। जहाँ देखता हूँ वहाँ चॉकलेट नजर आती है। ये चॉकलेट्स मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, एक ले ही लेता हूँ। यहाँ देखते हैं। अंकल, इसका बिल बनाओ। तुम्हारे हुए पूरे। अंकल, ये क्या कर रहे हो? आपके हाथ में क्या है? अरे भाई, ये रैपर तो मैं डस्टबिन में डाल रहा था। अच्छा, तो अभी समझ आया कौन है चॉकलेट चोर। हाँ, ये कैशियर ही चॉकलेट चोर है। खुद खाली रैपर चालाकी से बच्चों के जेब में डालकर फिर निकालने का नाटक करता है और बच्चों को चोर कहता है। पर अब हम इसे पकड़ेंगे कैसे? हमारे पास सबूत कहाँ है? सबूत नहीं तो सबक सिखाते हैं इसको, फिर ये खुद अपनी चोरी कबूल करेगा। एक बजरंगी आइडिया आया है। यहाँ क्या करोगे? पाँच पर एक नहीं, पाँच सारी फ्री। क्या, एक पर पाँच साड़ी फ्री? अरे सुना, सेल लगी है, एक पर पाँच साड़ी फ्री, जल्दी आओ। क्या, एक पर पाँच साड़ी फ्री? अरे चलो उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ हैं। वाह, इसका तो बॉर्डर कितना अच्छा है, मैं ये सारी की सारी ले लूंगी। अरे एक पर पाँच जो फ्री है। अरे एक पे पाँच नहीं, पाँच पर एक। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रुको, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से, भागो, मैंने कोई सेल नहीं लगाई है। ओए, हमको उल्लू बनाता है, बोर्ड लगा है तो सेल कैसे नहीं है? हम तो लेकर ही रहेंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक खिलौना 50 रुपए में। अरे रुको, अरे ठहरो, अरे भागो यहाँ से शैतानो। हे भगवान,
मैं लूट जाऊंगा। हे भगवान, ये चॉकलेट रैपर्स मेरे सर पर क्यों घूम रहे हैं? बच्चों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हो। गलती हो गई भगवान, माफ करो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? बच्चों, चिपका दो ये रैपर्स इस चोर पर। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ, नहीं ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। भागता के घर ससुर के नाती। चॉकलेट चोर? चोर नहीं हूँ, मालिक हूँ। तैनात से मजाक। तेरा हुलिया बता रहा है कि तू चोर है या मालिक, समझा? चल अब तुझे चॉकलेट खिलाता हूँ। चल। बच्चों को परेशान बोल, नहीं करूंगा। चॉकलेट नहीं चुराऊंगा।